नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक दौर में आ चुका है। अब तक 6 चरणों में हुए मतदान का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रदेश में एक मजबूत, अस्थाई और दमदार सरकार बनाने के लिए अब 7वें चरण का मतदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने जो कुछ भी किया पूरी श्रद्धा और प्रतिबद्धता के साथ किया है। आपके भरोसे का मान रखते हुए हमने जो कहा सो करके दिखाया है। विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ अभूतपूर्व हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ कि प्रदेश के लगभग 1,00,000 गांवों में बिजली से रोशन हुए हैं। कुछ लोग शायद कल्पना न कर पाए कि इससे करोड़ों लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया। हमने 2,61,00,000 घरों में शौचालय की सुविधा दी। ये हमारे लिए वोट प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि स्वच्छता से भी अधिक यह हमारे लिए नारी गरिमा और सुरक्षा का प्रश्न है। आज 43,50,000 परिवारों पीढ़ियों के इंतजार के बाद पहली बार छप्पर और खपरेल की कच्ची छत से उभरकर पक्के मकानों में रहने का सुख प्राप्त कर पा रहे हैं। खुशी और संतोष के भाव से चमकती उनकी आंखें और आत्मविश्वास से दमकते चेहरे ऐसे हैं जिसके आगे सैकड़ों चुनावों की चमक भी फीकी पड़ जाए। धुएं वाले चूल्हे की जगह रसोई गैस के सिलेंडर का होना किसी क्रांति से कम नहीं है। आयुष्मान योजना आज प्रदेश के 7 करोड़ परिवारों के लिए संबल बनी है। 70 साल तक पीने के शुद्ध जल के लिए तरस रही जनता के घरों में हम नल से जल पहुंचा रहे हैं। प्रदेश के विकास को तेज रफ्तार देने के उद्देश्य से ही एक्सप्रेसवे का संजाल केवल सड़क भर नहीं, यहां औद्योगिक विकास का कॉरिडोर बन रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य भी हम पूरा कर रहे हैं। वाराणसी पूर्णा की प्रतिमा का पुनर्प्रतिष्ठापन, शीर गोवर्धन वाराणसी में संत रविदास जी की पुण्यस्थली के विकास सहित लोक मंगल के उद्देश्य से ही अनेक प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। डबल इंजन सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और जातिवाद से युक्त भर्ती प्रक्रिया से निजात दिलाकर पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से 5,00,000 युवाओं के सरकारी नौकरी का सपना साकार किया है। 5 वर्ष के सेवा काल में 2 वर्ष कोरोना की चुनौतियां भी रही हैं। बड़े से बड़े संपन्न देश भी इस महामारी के आगे विवश रहे, लेकिन समवेत प्रयास से आज उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन पूरी दुनिया में सराहना प्राप्त कर रहा है। मुफ्त टेस्ट, उपचार और टीकाकरण के माध्यम से कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने करोड़ों परिवारों तक मुफ्त राशन पहुंचाना शुरू किया। ईश्वर की कृपा से यह संकल्प अब निभाया जा रहा है। आगे भी ऐसे प्रयास होते रहेंगे। भाइयों बहनों, 5 वर्ष पहले तक जिस उत्तर प्रदेश की पहचान गुंडा राज और अराजकता से थी, आज वही कानून का राज है। हमने आपसे भयमुक्त, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश का वायदा किया था। आज हमें खुशी है कि हम आपके विश्वास पर खरे उतरे। आज के उत्तर प्रदेश में अपराधी और पेशेवर माफिया या तो जेलों में बंद हैं या फिर सहम कर दुबक गए हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं अब आपसे सुरक्षा प्रदान करने की एवज में वोट मांगूंगा। अपने नागरिकों को एक भय मुक्त जीवन और सुरक्षित वातावरण देना तो किसी भी सरकार का प्राथमिक धर्म होना चाहिए, और हमने इसी धर्म का पालन किया है। आज मुझे कोई चिंता है तो केवल एक
कि जिन दंगाइयों और पेशेवर माफियाओं और आपताइयों पर हमने कठोरतापूर्वक अंकुश लगाया है वह प्रदेश का माहौल बिगाड़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं या बार बार धमका रहे हैं कि जरा हमारी सरकार आने तो दो। इसीलिए मेरी आपसे अपील है कि सावधान रहिए, इन धमकीबाजों एवं आतंकियों के मंसूबों को सफल न होने दें। यदि आप चूके तो 5 वर्ष की मेहनत पर पानी फिर जाएगा या वोट उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की उज्ज्वल भविष्य की गारंटी भी बने। यही कामना है। भारत माता की जय।